अक्टूबर का महीना था, नवरात्रि चल रही थी। वैसे त्योहारों का वक्त दो किस्म के लोगों में बंट जाता है, एक जो घर से बाहर निकलना नहीं चाहते और दूसरे जो घर लौटकर आना नहीं चाहते। मीरा को तो बस ऑफिस से निकलना था। मीरा हमारे इस कहानी की हीरोइन। 27 साल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर मीरा रिसेंटली ब्रेकअप से हील होकर अपने सिंगल लाइफ को एंजॉय करने की कोशिश कर रही थी। आज नवरात्रि की तीसरी रात है। ऑफिस के काम की वजह से गरबा के दो रातें तो मिस हो गई थी मीरा से। अब मीरा को सारे के सारे सातों रात जाना था गरबा में अपने दोस्तों के साथ। बहुत ज़रूरत थी उसे इसकी। गरबा में नाचकर अपने एक्स के लिए जो बची कुची फीलिंग्स थी उसे बाहर निकाल फेंकना चाहती थी। इसलिए मीरा ऑफिस से आज जल्दी घर आ गई। जल्दी से तैयार हुई, दोस्तों को कॉल लगाया, सर्च धज के टाइम कोऑर्डिनेट करके सारे दोस्त मिल गए गरबा वेन्यू में। मीरा सच कर बहुत प्यारी लग रही थी, मतलब उसे देखकर उसके बाकी के दोस्त थोड़ा अंडर ड्रेस फील कर रहे थे। पर क्या करें, पूरा साल इंतज़ार किया था मीरा ने गरबा नाइट्स का। और वैसे भी ब्रेकअप के बाद इंसान या तो झल्ला बन के घूमता है या फिर रेड कार्पेट रेडी। मीरा और उसके दोस्तों ने एक बड़ी सर्कल बनाई बाकी के ग्रुप्स की तरह और उसके बीच अपना सामान रखकर शुरू कर दिया गरबा नाच। स्लो म्यूजिक बदलता है और ढोली दारो गाना शुरू होता है। गाना सुनते ही मानो सबके बदन में करंट घुस गया हो। स्टेज में म्यूजिशियंस और सिंगर जोर शोर से गाना बजाने लगे और लोग उसी जोश में नाचने लगे। मीरा भी पूरी जोश में नाचने लगी। हर कोई इतना मदहोश होके नाच रहा था कि लोग अपनी अपनी सर्कल्स छोड़कर दूसरी सर्कल्स में जाकर बिखर रहे थे। अब गरबा में आप कितना भी कोऑर्डिनेट करें, लक्ष्मण रेखा पार हो ही जाती है और आप कब धीरे धीरे बगल वाली सर्कल में घुस जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता। ये गाना बजते ही मानो सारे सर्कल धीरे धीरे आपस में मिल गए हों। गाने का टेम्पो और बढ़ता है, लोग और जोश से नाचने लगे और तभी मीरा बगल वाले ग्रुप में किसी से बड़ी जोर से टकराती है। इम्पैक्ट इतना जोर का था कि मीरा जिससे टकराई उसी का कुर्ता पकड़ लिया, फिर लुढ़की, फिर गिरते गिरते थोड़ा और जोर से उस कुर्ते को खींचा, मानो वो कुर्ता नहीं कोई रस्सी हो जिसे वो रॉक क्लाइंबिंग कर रही हो। शुक्र है कुर्ता अच्छी क्वालिटी का था। अब उसी कुर्ते को खींच खींच कर उसकी सपोर्ट में मीरा फिर से अपने पैरों में खड़ी हो गई और फाइनली उसकी नज़र उस लड़के पे पड़ती है जिससे वो टकराई। गेहुआ रंग का सुंदर नटखट चेहरा, लंबा कद, पीला रंग का कुर्ता और सफ़ेद पैजामा पहने, चेहरे में हल्की मुस्कुराहट लिए माफ़ी का इशारा करता है। मीरा गुस्से से आग बबूला हो रही थी, कुछ कहा नहीं, बस उस लड़के को गुस्से से घूरे जा रही थी। वो भी मीरा को घूर रहा था, गुस्से से नहीं, थोड़ा प्यार से। एक दूसरे को घूरने के बाद अब दोनों अपने अपने ग्रुप पे लौट गए। दूर खड़ी मीरा की दोस्त निशा ये सारा ड्रामा देख रही थी। दूर से मीरा की एम्बैरसिंग मोमेंट एक फिल्मी सीन की तरह लग रही थी, आजकल के लैला मजनू की पहली मुलाकात वाली मोमेंट। मीरा निशा के पास आती है और निशा उसे कहती है, क्या बात है, तुम्हारा तो मोमेंट बन गया वहाँ। मीरा कहती है, आर यू मैड, खुन्नस देकर आई हूँ उसको, देख नहीं सकता था। तभी गाना बदलता है और सब अपनी अपनी सर्कल्स में नाचने लगे और इस लैला मजनू मोमेंट के साथ ये रात खत्म हुई। अब मीरा रोज रात अपने दोस्तों के साथ गरबा आने लगी और क्योंकि रोज एक ही क्राउड वहां पर आता था तो सब एक दूसरे को चेहरे से पहचानने लगे थे और उन सब चेहरों में एक चेहरा सबसे अलग था, वही जिससे पहली रात ही टकरा गई थी हमारी मीरा। अब दोनों की नजरें एक दूसरे से टकरा रही थी। पिछली रात मीरा ने गुस्सा दिखाया था मगर मन ही मन में उसे देखते ही इंस्टेंट अट्रैक्शन भी हुआ था, पर मीरा ने ये अपने चेहरे पर जाहिर होने नहीं दिया। अब लड़कियां थोड़ी अजीब होती हैं। अब गरबा की आखिरी रात है। मीरा की दोस्त निशा इन दोनों को काफ़ी दिनों से ऑब्जर्व कर रही थी, आंखों ही आंखों में इशारे। निशा ने मीरा से कहा, देख आज आखिरी रात है, जाकर बात कर ले, कल नहीं मिलने वाला ये। जिस पर मीरा कहती है, व्हाट नॉनसेंस, मैं नहीं बात कर रही उसे जाकर, पर हाँ यार कुछ तो बात है इस लड़के में। निशा कहती है,
तेरे टाइप का लगता है। जिस पर मीरा कहती है, व्हाट माय टाइप, इतनी दूर से पता चल गया मेरा टाइप। जिस पर निशा कहती है, तो जा ना उससे जाके बात कर ले। निशा मीरा को उस लड़के की ओर ढकेलती है और एक बार फिर से मीरा और वो लड़का टकरा जाते हैं, इस बार थोड़ा प्यार से, थोड़ा मुस्कुराहट के साथ। और उसी से बात की शुरुआत होती है। मीरा खुद को संभालती हुई उसे कहती है, ओह आई एम सो सॉरी। जिस पर मिस्ट्री बॉय कहता है, कोई बात नहीं, आर यू ओके। मीरा कुछ और कहने ही वाली थी कि मिस्ट्री बॉय कहता है, तुम मीरा शर्मा हो ना, सेंट स्टीफन कॉलेज। जैसे जैसे उसने कहा, साथ साथ मानो मीरा के सामने जैसे किसी ढकी पेंटिंग से कोई धीरे धीरे पर्दा हटा रहा हो और धीरे धीरे वो पेंटिंग रिवील हो रही हो। ये आंखें, ये मुस्कुराहट, ये भरी आवाज कुछ जानी पहचानी है। और तभी मीरा के मन में और सामने एक साथ एक नाम आया, अश्विन। मिस्ट्री बॉय कहता है, आई एम अश्विन, अश्विन मेनन। जिस पर मीरा कहती है, ओ या अश्विन, ओ माय गॉड, कितने बदल गए हो तुम। जिस पर अश्विन कहता है, हाँ काफी वेट लॉस किया है मैंने, कितने साल बाद मिल रहे हैं ना हम। जिस पर मीरा कहती है, हाँ तुमने अचानक कॉलेज छोड़ दिया, शहर छोड़ दिया, नो कॉन्टैक्ट, नथिंग। अब अश्विन के चेहरे में थोड़ी शर्मिंदगी नजर आती है। वो कहता है, हाँ कुछ इमरजेंसी आ गई थी, घर जाना पड़ा और फिर वहीं से ग्रेजुएशन भी कंप्लीट की। मीरा थोड़ी सी खोई खोई सी लग रही थी, मानो कॉलेज के उस साल पहुंच गई हो, बिल्कुल उस मोमेंट में जब वो ये सुनना चाहती थी। मीरा ने कॉलेज के वक्त न जाने कितने सपने देखे थे इस दिन के इंतज़ार में कि अश्विन उसे यूं ही अचानक कहीं मिल जाए। मीरा अश्विन को कॉलेज के वक्त बहुत पसंद करती थी, अश्विन भी उसे बहुत पसंद करता था। पर बात मन ही मन में रह गई, इससे पहले कि जबान तक आती, अश्विन कॉलेज और शहर छोड़ के जा चुका था और मीरा का कॉलेज का प्यार अधूरा रह गया। जिसकी याद में न जाने कितनी रातें रोई थी, आज वही अश्विन उसके सामने खड़ा है। पर अब वो उसे मिलकर खुश क्यों नहीं है? ब्रेकअप के बाद रोने के लिए कंधा मिल जाए, वो भी उस इंसान का जो कॉलेज का प्यार हुआ करता था। मतलब ऊपर वाले की टाइमिंग भी कमाल की थी। पर क्या प्यार वक्त का मोहताज होता है? जब प्यार का एहसास गहरा होता है, जब दुनिया का सबसे चहीता कोई होता है, उस वक्त वो हमारा क्यों नहीं होता है? और अगर तब ना मिले तो फिर सालों बाद लौट कर क्यों आना होता है? दैट्स नॉट फेयर, राइट? मीरा यही सोचकर अपने ख्यालों में डूब गई और मानो अश्विन की आवाज़ उसे उस समुंदर की गहराई से खींच कर बाहर ले आई। अश्विन कहता है, मीरा लेट्स कैच अप सून, तुम्हारा नंबर दो मुझे। मीरा थोड़ा सा हिचकिचाती है, फिर नंबर देती है। बेचारा बेखबर अश्विन मीरा का दिया हुआ रॉन्ग नंबर सेव करता है अपनी फ़ोन पर। मीरा मुस्कुराकर चली जाती है, फिर कभी ना मिलने के लिए।